Hello friends, welcome to our channel Fun with Technical. Please subscribe to our channel and press the bell icon for get notification on my new video. Moto G 5S Plus के बाद Xiaomi ने भी अपना एक स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है इसी के कंपटीशन में, जिसका नाम है Xiaomi का Mi A1। वैसे भी कंपटीशन काफी जबरदस्त है, इसीलिए Xiaomi ने इस फोन में काफी सारे चेंजेस किए हैं, जिसमें कि सबसे बड़ा चेंजेस है इसकी बिल्ड क्वालिटी। ये फोन देखने में कुछ कुछ iPhone 7 की तरह है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसके एज कुछ कर्व कर दिए गए हैं। लेकिन इन दोनों फोन्स के लॉन्च होने के बाद में कस्टमर को काफी ज्यादा कंफ्यूजन सी हो गई है, क्योंकि दोनों ही फोन स्पेक्स के मामले में एक दूसरे को कड़ी टक्कर देते नजर आ रहे हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में कि क्या कुछ दोनों में मैच हो रहा है, शायद आपकी थोड़ी सी कंफ्यूजन दूर हो जाए। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोनों ही फोन की डिस्प्ले की। दोनों ही फोन में 5.5 इंच की फुल एचडी डिस्प्ले दी गई है। जैसा कि आप देख सकते हैं, रेशियो है इसका 1080x1920। पीपीआई भी लगभग सेम है, 401 पीपीआई मोटो जी 5S प्लस में और मी A1 में 403 पीपीआई। लेकिन एक दो पीपीआई बढ़ने से कोई खास फर्क पड़ता नहीं है। मोटोरोला ने डिस्प्ले की प्रोटेक्शन के लिए कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का इस्तेमाल किया है, और Xiaomi भी दावा करता है स्क्रीन प्रोटेक्शन के लिए कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का इस्तेमाल किया गया है। बात करते हैं दोनों ही फोन के OS की। जैसा कि आप देख सकते हैं, दोनों ही फोन्स में Android का 7.1 Nougat का OS मिल जाता है आपको। लेकिन Xiaomi का प्रॉमिस है साल के अंत तक आपको लेटेस्ट OS का अपडेट मिल जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, दोनों ही फोन में आपको मिल जाता है Qualcomm का Snapdragon 625 Octa-Core 2.0 GHz Cortex का A53 का प्रोसेसर। बात कर लेते हैं इसकी रैम की। Moto G5S Plus में आपको मिल जाती है 32GB का इंटरनल मेमोरी स्पेस और 3GB की रैम। हाँ, हालांकि इसका भी दूसरा वेरिएंट लॉन्च होने वाला है, जो कि आपको 4GB रैम और 64GB इंटरनल स्टोरेज के साथ में मिल जाएगा। लेकिन अभी Motorola ने उसे लॉन्च नहीं किया है, पता नहीं क्या वजह है। और वहीं Mi A1 में आपको मिल जाता है 4GB की रैम और 64GB का मेमोरी स्पेस। Moto G5S Plus आपको देता है 13MP रियर कैमरा और इसका अपर्चर होगा f2.0। और वहीं Mi A1 में आपको मिल जाता है 12MP का रियर कैमरा, जिसका अपर्चर आपको मिल जाता है f2.0। और अगर फ्रंट फेसिंग कैमरा की बात करें तो Motorola आपको देता है 8MP का कैमरा, वो भी LED फ्लैश के साथ में। और वहीं Mi A1 में आपको मिल जाता है 5MP का फ्रंट फेसिंग कैमरा, जिसमें कि आपको LED फ्लैश नहीं मिलेगी फ्रंट वाले कैमरे में। बात कर लेते हैं बैटरी की। Moto G5S Plus आता है 3000mAh की बैटरी के साथ में, और वहीं Mi A1 आता है 3080mAh की बैटरी के साथ में। तो यहाँ पर 80mAh की बैटरी एक्स्ट्रा है Mi A1 की। तो दोस्तों, कंपैरिजन में कोई खासा फर्क है नहीं, हालांकि आपको प्राइस में थोड़ा सा डिफरेंट मिल जाएगा। Moto G5S Plus की कीमत है 15,999 रुपए, यानी कि 16,000 रुपए में ये फोन आपको मिल जाता है Amazon पर। और वहीं Xiaomi के Mi A1 की कीमत है 14,999 रुपए, यानी कि 15,000 रुपए, जो आपको 12 तारीख से मिलना शुरू हो जाएगा Flipkart पर दोपहर 12 बजे। दोनों ही फोन में 1,000 रुपए का अंतर है। लेकिन अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो परफॉर्मेंस के मामले में दोनों ही फोन लगभग एक जैसे हैं। अगर कैमरा क्वालिटी की बात करें तो भी कह पाना बहुत मुश्किल है कि दोनों में से कौन सा पिक किया जाए, क्योंकि अगर अंतर देखने को भी मिलता है तो माइनस आपको डिफरेंट मिलेगा दोनों फोन्स के कैमरे में। इंडोर और लो लाइटिंग कंडीशन में Motorola अच्छा परफॉर्मेंस करता है। Mi A1 का स्टेबलाइजेशन बहुत अच्छा है। और अगर आप रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं फ्रंट फेसिंग कैमरा Moto G5S Plus से, तो उसकी क्वालिटी थोड़ी सी ज्यादा बेहतर है कंपैरिजन ऑफ Mi A1 से। लेकिन Xiaomi के पिछले बजट फोन कंपैरिजन के मामले में ये फोन कैमरा के मामले में थोड़ा बेहतर है। तो दोस्तों, ये था Motorola और Mi A1 का कंपैरिजन। अब मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ कि अगर आप दोनों में से पिक करना चाहते हो तो कौन सा फोन पिक करोगे, मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक भी दे दूंगा, जहां से आप इस फोन को अगर खरीदना चाहें तो खरीद सकते हैं। तो दोस्तों, बस आज के इस टेक न्यूज़ में इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। आया है तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर ये चैनल आप पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं हर तरह की टेक रिलेटेड जानकारी आप लोगों के लिए लाता रहता हूं। तो मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए बाय बाय।